नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग थंबनेल के माध्यम से जान ही चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से प्रश्न हैं और इनके क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। गायत्री उपासक अप्सरा साधना कर सकता है या नहीं? शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा सकते हैं अथवा नहीं? क्या स्त्रियां शिवलिंग को छू सकती हैं? शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, इसके संबंध में कहा जाता है, या शिवलिंग घर में रखने से भूत प्रेत आने लगते हैं? तो चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि गायत्री उपासक अप्सरा साधना कर सकता है या नहीं। तो इस संबंध में सबसे बड़ी बात ये जो आती है वो ये आती है कि क्या एक उच्च कोटि का साधक छोटी साधनाएं करना चाहता है या नहीं, और अगर वो करता है तो उसके लिए उसकी क्या नियमावली या संबंधित जो भी बातें हैं वो क्या हो सकती हैं। ये सिर्फ गायत्री उपासक की बात नहीं, जो भी पंचदेवों में किसी की भी आराधना लगातार करता रहता है और उनके मंत्रों का उच्चारण करता है, जैसे कोई महामंत्र जितने भी बोले जाते हैं, चाहे गायत्री ले लीजिए, चाहे निर्वाण ले लीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय ले लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए, भगवान विष्णु का ओम नमः भगवते वासुदेवाय ले लीजिए, भगवान कृष्ण का ओम कृष्णाय नमः ले लीजिए, या जितने भी उत्तम कोटि के ओम रम रामाय नमः का मंत्र उच्चारण है, तो जो भी उच्च कोटि के सात्विक और बहुत बड़े मंत्र हैं या महामंत्र जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि मंत्र दो श्रेणी में आते हैं, एक मंत्र और एक महामंत्र। जो महामंत्रों की श्रेणी में मंत्र आते हैं वो बड़ी शक्तियों की उपासना में प्रयुक्त होते हैं और वो लगभग लगभग सब कुछ देने में समर्थ होते हैं, और उनको जपने वाला साधक बहुत उच्च कोटि का मृत्यु के बाद प्राप्त करता है, स्वयं देवता बनता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा साधक अप्सरा साधना कर सकता है? जहाँ तक साधना की बात है तो कोई भी साधना व्यक्ति कर सकता है, उसको मना ही तो कोई है नहीं, लेकिन प्रश्न इसमें यह आता है कि अगर वो साधना करेगा तो क्या उसे सफलता मिलेगी, या उसकी बड़ी और सात्विक साधना की वजह से उसको सफलता नहीं मिल सकती। देखिए, अप्सरा की जहाँ तक बात की जाए, प्रेम और सौंदर्य की देवियाँ हैं और भौतिक सुखों की देवी हैं, वहीं गायत्री उपासक जो होता है वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है, मूलतः मोक्ष का उपासक होता है, परमात्मा से मिलन की तैयारी मंत्र के माध्यम से वो करता है। अब ऐसे में दोनों बिल्कुल अलग अलग धाराएं हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति कोई अप्सरा साधक है और वो उच्च कोटि को प्राप्त करना चाहता है तो अप्सरा को छोड़ सकता है, लेकिन कोई गायत्री उपासक है और वो छोटी स्थितियों को प्राप्त करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? निश्चित रूप से कर सकता है, लेकिन सिद्धि की जहाँ तक बात की जाए तो आपको उतने दिन उन मंत्रों का उच्चारण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर या ऐसा ना करने पर वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। यानी अगर अप्सरा की साधना आप करने जा रहे हैं तो आपको गायत्री मंत्र की उपासना छोड़नी होगी उतने दिनों के लिए जितने दिनों में अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपसे अप्सरा सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा मौजूद है वो कई उच्च श्रेणी की है। वो अलग बात है कि तंत्र में आप गायत्री मंत्र के माध्यम से ही अप्सरा की साधना करते हैं तो आप अप्सरा को सीधे सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात हो गई, वो बात और विद्या अलग तरह की हो गई। लेकिन गायत्री, मूल गायत्री की उपासना करने वाला अप्सरा साधना साथ में ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अप्सरा सिद्ध नहीं होगी। ऐसे ही महामंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के साथ भी होता है। तो क्या होता है, आप केवल ईष्ट मंत्र और गुरु मंत्र का ही उच्चारण तांत्रिक साधनाओं में कर सकते हैं, उसके अलावा बड़ी साधनाओं की जो बड़ी मंत्र का जो उच्चारण है वो आप उन तांत्रिक साधनाओं, जैसे अप्सरा साधना हो गई, भूत प्रेत पिशाच साधनाएं हो गई, योगिनी साधनाएं हो गई, यक्षिणिया साधना हो गई, या फिर भैरवी साधनाएं होगी, इनकी उपासना जब कर रहे हैं तो आप बाकी मंत्रों का उच्चारण बंद कर दीजिए, तभी आपको सिद्धि अच्छी प्रकार से प्राप्त होगी। कितना करना है, देखिए दो चीज़ें तो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप इष्ट मंत्र का उच्चारण अगर करते हैं तो आपको इष्ट मंत्र का उच्चारण करना ही करना है, गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गुरु मंत्र उच्चारण करना ही करना है, लेकिन उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा एक माला बस।
इससे ज़्यादा मत उच्चारण कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी ऊर्जा अपने अंदर बना लेंगे जिसकी वजह से दूसरी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी या आपके संपर्क में नहीं आ पाएगी, डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी या ऊर्जा देख करके वो आपके पास आएगी ही नहीं, तो फिर आपको साधना करने का क्या लाभ, सिद्धि प्राप्ति ही नहीं होगी आपको। अब सारे प्रश्नों को जो अब मैं उच्चारण करने वाला हूँ वो सारे प्रश्न भगवान शिव से संबंधित हैं। तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था कि भगवान शिव के सहस्त्र नाम में आप तुलसी जो है शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति होती है। उसी से कई लोगों ने पूछा कि शिवलिंग पर तुलसी तो नहीं चढ़ाई जा सकती है, इसके संबंध में आपने जो बताया है वो क्या सही है? देखिए, शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा सकते हैं अगर हम शास्त्र के हिसाब से देंगे, शास्त्र प्रमाण देखेंगे तो निश्चित रूप से तुलसी चढ़ाई जाती है। लेकिन कुछ भ्रमित लोगों ने भ्रम के कारण यह चीज़ को हमने कहानी से जोड़ी और कहानी में जलंधर की पत्नी वृंदा यानी तुलसी, जिन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम पत्थर हो जाओ यानी शालिग्राम वो हो गए और ये वृक्ष का रूप धारण कर ली, तो असल में श्राप जो दिया गया वो भगवान विष्णु को दिया गया और वो विष्णु प्रिया बोली भी जाती हैं क्योंकि तुलसी के साथ में विवाह हुआ था शालिग्राम का यानी भगवान विष्णु का। तो इनसे भगवान शंकर कहाँ से बीच में आ गए? दूसरी बात, भगवान शिव का शत्रु जलंधर था, कभी भी वृंदा नहीं या तुलसी कभी नहीं रहे। लेकिन गलत फहमी इसी में चढ़ गई लोगों के कि विष्णु प्रिया है तो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जा सकती। अब अगर कोई विष्णु प्रिया है जैसे माता लक्ष्मी है तो माता लक्ष्मी की पूजा भगवान शिव की पूजा एक साथ होती है और भगवान शिव पर लक्ष्मी माता की प्रिय चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम लोग मांग करते हैं। अगर इस तरह अगर आप सोचेंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो इसका मतलब क्या है? ये भ्रम की स्थिति है और ये भ्रम ही बताया गया। रही शास्त्र प्रमाणों की बात में, तो मैं आपको शास्त्र के दो तीन प्रमाण यहाँ पे बताता हूँ और उसके संबंध में आपको दिखाता भी हूँ। एक ब्रह्म पुराण में आता है वर्णन, लिंगम अभर्चितम दृष्टवा प्रतिमाम केशवस्य च तुलसी पत्र निकरे मुच्यते ब्रह्म हत्यया, यानी कि जो शिवलिंग है उस पर और भगवान केशव यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान माधव या भगवान विष्णु की प्रतिमा पर या उनकी पूजा में तुलसी पत्र अगर कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त वो कर सकता है। ये ब्रह्म पुराण में कहा गया। अब तुलसी पत्र यहाँ पर कहा गया भगवान शिव के लिए और केशव भगवान विष्णु के लिए, दोनों के लिए कैसे कह दिया गया? आप खुद ही सोचते हैं कि ब्रह्म पुराण में ऐसा क्यों कहा गया अगर उस पर नहीं चढ़ सकती है तो, ठीक है ना? तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों। इसके अलावा आप अगर शिव पुराण को देखते हैं तो शिव पुराण में भी श्लोत्र आता है, इसके संबंध में आता है कि कमले सतपत्रेत शंख पुष्पे परेस तथा कुश पुष्पेच्च धतुर मर्दारे द्रोण संभवे तथा च, अब यहाँ पे आएगा तुलसी पत्रे विल्व पत्रे विशेषतः पूजयत्या परया भक्त्या शंकरम भक्त वत्सलम सर्वाभावे विल्व पत्रम समर्पणियम, यानी श्री शिवाय वह, यानी कि भगवान शिव या शंकर जी जो हैं उन पर ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती जिसमें तुलसी पत्र भी शामिल है। तुलसी पत्र के बारे में यहाँ पे साफ तौर से कहा गया अगर तुलसी नहीं चढ़ती तो शास्त्र में या शिव पुराण में जो भगवान शिव का मूल पुराण है उसमें अगर इस बात का वर्णन कैसे आ जाता। इसके अलावा एक विवरण और भी देता हूँ, ये निर्णय सिंधु में भी मिलता है, वहाँ पर भी कहा गया है कि तुलसी विल्व निर्गुंडी जंबीरा मलकम तथा पंच विल्वमिति ख्यार नेव विल्वम शिमार्पणम, यानी भगवान शिव पर ये पांच चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और शिव पूजन में तुलसी का के माध्यम से पूजन किया जाता है। तो निर्णय सिंधु में भी ये चीज़ मिलती है आपको। अब आप बताइए कि जब शास्त्रों में ये प्रमाण मिल रहा है कि भगवान शिव पर तुलसी चढ़ाई जा सकती है तो हम लोग अपनी तरफ से जो नई नई कहानियाँ बना करके भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं और इसकी वजह से हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा बदनाम है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, एक कुछ कहता है दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है और सारा मामला बिगड़ जाता है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। मध्यकाल में यानी कि जब यहाँ पर मुसलमानों का शासन था और अंग्रेजों का शासन था तब एक ऐसी ही अफवाह उड़ी थी और ये अफवाह ये थी कि हम एक हिंदू को समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, अगर हिंदू समुद्र पार जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
इस बात का इतना बड़ा दुर्प्रभाव हुआ, इतना बड़ा दुर्प्रभाव हुआ कि संसार में अंग्रेजों का शासन हो गया और भारतीय व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे द्वीप पर कब्जा नहीं कर पाया, या यूं कहिए कि अपनी सभ्यता का प्रचार कहीं नहीं कर पाया। हिंदू केवल भारत तक सीमित रह गया, केवल एक छोटे से दुष्प्रचार के कारण। और वो दुष्प्रचार क्या था कि अफवाह ये थी कि समुद्र में भगवान विष्णु का निवास होता है, क्योंकि क्षीर सागर बोला जाता है ना, इसलिए कि भगवान शिव, भगवान विष्णु का जो निवास है वो क्षीर सागर में है, इसलिए वहाँ नहीं जाना है। और अगर समुद्र के पार व्यक्ति हिंदू चला गया कोई, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी चक्कर में अंग्रेज भी जब कोई सैनिकों को भेजते थे तो वो समुद्र के पार नहीं भेजते थे, यहाँ से कोई जाने को तैयारी नहीं होता था सैनिकों को भी। लेकिन जबरदस्ती जिन्हों को भेजा गया, बाद में उन्होंने भी जो है धर्म का एक प्रकार से परित्याग ही किया, दूसरे धर्मों को ग्रहण करना पड़ा उन्हें। समाज में इस तरह की प्रचलित भावना है। सोचिए, अगर हिंदू समुद्र पार जा कर के अन्य अन्य देशों में जाते, तो वहाँ भ्रमण करते, तो वहाँ अपनी सभ्यता का प्रचार करते और उसी तरह से शासन करते जैसे कि अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज यहाँ व्यापारी बन के आए थे और पूरे संसार को यही इसी माध्यम से, क्योंकि वो समुद्र में सबसे ज़्यादा घूमे, उन्होंने पूरे संसार को अपना गुलाम बना लिया। तो एक छोटी सी भावना की और अफवाह की वजह से हिंदू धर्म का प्रचार चारों तरफ नहीं हो सका। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कहते हैं 1857 का विद्रोह, वह केवल चर्बी वाली घटना की वजह से हुआ था। और ये घटना भी धर्म से ही रिलेटेड थी कि ये कहा गया कि जो राइफल आई है उसमें जो चर्बी लगी होती है वो गाय और सूअर की हड्डी की है, इसी वजह से सेना ने विद्रोह कर दिया था और उसमें भारतीय सैनिक बहुत सारे थे। तो हमारे यहाँ जो है धर्म से रिलेटेड भावनाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन अफवाहें उससे बड़ी हैं, इसी वजह से बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि तुलसी चढ़ाई जा सकती है, बाकी आपकी इच्छा, आप चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। अगला प्रश्न पूछा कि क्या स्त्रियां शिवलिंग को छू सकती हैं? बिल्कुल, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि जब भगवान के शिवलिंग को कोई स्त्री ना छू पाए। असल में दूसरे धर्म के लोगों ने ऐसी गलत अफवाहें बार बार फैलाई ताकि अपने धर्म के प्रति लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न हो। शिवलिंग को लिंग के नाम से इतना अधिक बदनाम किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, और दूसरे धर्म के लोग लिंग पूजा के माध्यम से, जिसको हम शिष्ण कहते हैं, उसकी पूजा की बात कहते हैं, जबकि शिवलिंग का अर्थ होता है शिव की पूजा होना। और शिव क्या है? जो धरती से उठा ले और परमात्मा तक लेके जाए, वह ऊर्जा शिवलिंग की ऊर्जा कहलाती है। इसीलिए सीधी खड़ी ऊंचाई में उठती हुई चीज़ को दिखाया जाता है, यानी उठ रही धरती से ऊपर जो चीज़ उठ रही है। तो शिवलिंग के अर्थ को ना समझते हुए ही ऐसी चीज़ों को फैल जाता है। इसके अलावा लिंग को स्त्री का अगर छुएगी तो वो गलत माना जाएगा, इसीलिए इसका ऐसा दुष्प्रचार किया गया। लेकिन ये पूरी तरह से भ्रम की बात है। शिवलिंग कोई लिंग नहीं है, शिवलिंग एक ऊर्जा का माध्यम है, भगवान शिव की पूजा का एक तरीका है, जो उठती हुई ऊर्जा को दर्शाता है और जो कि ऊपर ब्रह्मांड तक जाती है, इसीलिए बहुत अधिक पावर मानी जाती है शिवलिंग के अंतर्गत। और इसी से जुड़ेटेड रिलेटेड अगला प्रश्न भी यही है कि शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं। तो देखिए, असल में इसके संबंध में जो बातें हैं वो क्या कहेंगे, शिव पुराण में इसके संबंध में कहा गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। घर के किसी बंद स्थान में शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर ही रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के भी मुताबिक शिवलिंग में हर वक्त जो है ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा गिरानी चाहिए या रखनी चाहिए, जो ऊर्जा को कहते हैं शांत रखता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप शिवलिंग की पूजा पूरी विधि विधान से नहीं कर पा रहे हो या ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो भूल से भी शिवलिंग घर पर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति घर पर शिवलिंग स्थापित कर उसकी विधि विधान से पूजा नहीं करता है तो यह भगवान महादेव का अपमान माना जाता है, ये वगैरह वगैरह ये बातें कही जाती हैं। बातों में सच्चाई भी है, लेकिन बात को समझने की बात है। पहली बात, अंगूठे से आकार जो छोटा हो उस आकार का ही शिवलिंग आपको घर में पूजा स्थान पर रखना चाहिए और रोज़ उस पर जलधारा चढ़ानी चाहिए। जब पूजा करने जाएं,
अगर शिवलिंग आपने रखा हुआ है तो उसके ऊपर जलधारा अवश्य चढ़ाएं, गंगा जल छिड़क दीजिए उसके ऊपर, गंगा जल अगर आपके पास है तो अवश्य ही। उसके ऊपर बेलपत्री रख दीजिए, यहाँ तक कि उसके ऊपर आप अभी तुलसी की बात करें तुलसी भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी स्वयं उसके अंदर पारा होता है। जिस भी चीज़ के अंदर पारा होता है वह शिव की ही वस्तु मानी जाती है, और पारा जो है प्राकृतिक रूप से तुलसी के अंदर पाया जाता है, बिलपत्रों के अंदर भी पाया जाता है। जो पारा होता है ये शिव का प्रतीक माना जाता है, अभ्रक को माता पार्वती का प्रतीक धर्म ग्रंथों वगैरह में माना गया है। तो ये चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। भगवान शिव के शिवलिंग को जो है ऊर्जा का प्रतीक माना चाहिए, इसीलिए ऐसा भ्रम फैलाया गया कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसका आकार अंगूठे से छोटा होना चाहिए, और अगर हो सके तो आप पारद के शिवलिंग को घर में रखिए, और पारद का शिवलिंग शिवलिंग से कहीं अधिक शक्तिशाली है और कहीं अधिक ऊर्जा देने वाला और शांत ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए पारद शिवलिंग घर में रखना चाहिए और जो अंगूठे से आकार से छोटा हो, और निश्चित रूप से उसकी रोज़ पूजा करें। आप जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो उसके ऊपर जल भी अवश्य चढ़ाइए, गंगा जल का छिड़काव उसके ऊपर जरूर कीजिए। अब अगला एक प्रश्न आता है इसी से ही रिलेटेड कि शिवलिंग घर में रखने से भूत प्रेत आने लगते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है भूत प्रेतों के देवता। ये भी फैलाया गया भ्रम है ऊपर से नीचे तक, आज मैं केवल भ्रमों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ये सब भ्रम है। देखिए यह बात सत्य है कि भगवान शिव के सेवक भूत प्रेत गण भी होते हैं, लेकिन जब भगवान शिव की पूजा शमशान में की जाती है तो भूत प्रेत नज़दीक आते हैं, घर में देवी देवता नज़दीक आते हैं, क्योंकि घर भूत प्रेतों का अड्डा नहीं है। घर जो है एक शुद्ध वातावरण में रहने लायक जगह होती है, जहाँ पर एक नियमावली के साथ में जिंदगी जी जा रही होती है। शमशान में अनियमावली में और जीवन से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, इसलिए वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। और वहाँ पर अगर शिवलिंग की पूजा की जाती है शमशान में तो भूत प्रेत अवश्य ही वहाँ पर व्यक्ति के पास आएंगे, लेकिन अगर शिवलिंग की पूजा घर में की जा रही है तो भूत प्रेत नहीं बल्कि देवी देवता वहाँ पर आएंगे और वह सभी आशीर्वाद दे के जाएंगे। इसीलिए भगवान शिव की पूजा करने पर बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अपने आप होने लगती है, क्योंकि उस पूजा को ग्रहण करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ने पर उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए देवी देवता वहाँ पर आते हैं। तो यह भी बात एक प्रकार से पूरा भ्रम है। तो आज मैंने भ्रमों के विषय में ही बात की है कि क्या गायत्री उपासक अप्सरा साधना कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मंत्रों का जाप एक माला से अधिक ना करें। अगर इष्ट मंत्र के रूप में जाप करते हैं या गुरु मंत्र के रूप में वो मंत्र मिला हुआ है, लेकिन अगर कोई उपासक है या उपासना कर रहा है तो उस समय उसे उपासना वाले मंत्र की बंद करनी होगी। तुलसी जो है वो निश्चित रूप से शिवलिंग पे चढ़ाई जा सकती है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं। स्त्रियां शिवलिंग को छू सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं। भगवान शिव की पूजा माता पार्वती ने शिवलिंग के रूप में ही की थी, वो उसमें कुमारी स्त्री ही थी। शिवलिंग घर में रखना चाहिए ना, बिल्कुल शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का आकार अंगूठे से छोटा होना चाहिए और हो सके तो आप पारद वाले शिवलिंग का इस्तेमाल करें। शिवलिंग घर में रखने से क्या भूत प्रेत आने लगते हैं? बिल्कुल नहीं, शिवलिंग को घर में रखने से देवी देवता घर में आने लगते हैं। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न और भ्रम जिनका मैंने उत्तर देने की आपको चेष्टा की है। अवश्य ही आपको आज समझ में आया होगा कि किस प्रकार से भ्रम की वजह से हमारे हिंदू धर्म का कितना अधिक नुकसान बराबर होता रहता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और सभी लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों को असली जानकारी की प्राप्ति हो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।